मोदी योगी ये सब है ना मुसलमान को तबाह करके रखे, तबाह करके रखे, नहीं थोड़ा जीना मुश्किल हुआ, रंडवा तो रंडवा देश को रंडवा के रखे, यहाँ पे हेरे भी रंडवा का गाज के पीछे तोरेन पावर गुस्सा देख रहा है। एक बीवी को नहीं संभाल सका तो बीवी बहन को देश को क्या संभालेगा, ये वो तो अलग बात है, वो प्रधानमंत्री है, भाई में हमने मीटर काट के जाएगा, तीसरा महीना लगा के हमने बिल भर के आए जी, डबल से बिल, इतनी डबल आई बिल में तो कहाँ से भरेंगे। जब आप बिल भर के आए तो आपने उनको बोला नहीं था कि अगर अगली बार बिल ज्यादा आया तो क्या करोगे फिर? नहीं कुछ नहीं बोला, वो चेक करके गए थे मीटर, हाँ मीटर रीडिंग लिया चला गया, हाँ तो बेटा फिर नेक्स्ट महीने में फिर उतने बिल आई तो फिर कहाँ से भरेंगे, तो हमारे घर में बीमारी चली है क्या दवा, उसका बिल भरेंगे ना, हमारे से नहीं होता बिल भरना, बिल भरना नहीं होता आपसे, ये पूरे एरिया को बिल भरना नहीं होता है, इतनी इतनी ज्यादा बिल, बोलिए एकदम क्या करेंगे सर, कितना बोलेंगे, इतना पावर के बोलने नहीं देते हैं, खाली बिल फेंकते हैं चले जाते हैं, कौन करता है, टोरेंट पावर वाले ऐसा करते हैं, टोरेंट पावर वाले करते हैं ऐसा, लेकिन वो तो बोलते हैं कि हमारे बिल भरो बस, खाली बिल भरो उसके बाद बात करो, अगर नहीं भरेंगे तो मीटर उठा लेके जाएंगे, आगे आओ आगे आओ आगे आओ, एक एक करके एक एक करके, मैं अकेली काम पे जाने वाली, दिन भर मेरा दरवाजा बंद रहता, फिर मैं आग चालू करूंगी, लाइट पंखा मीटर अपना आग चालू करूंगी ना, फ्रिज है, लाइट है, पंखा है, दो पंखे, तो उसके बाद में आई ना 4,000 गए मैंने बिल आया, एक महीने का बिल 4,000 और ये महीने में 1,270 आया, और दरवाजा बंद मेरा भी अकेली है, एक फ्रिज है, चार पंखे है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आपका कितना बिल आता है? 8,500 को कुछ कम है, ये अभी फिलहाल इनका 7,980 रुपए, तकरीबन 8,000 पूरे मोहल्ले का, पूरे के पूरे मोहल्ले का अगर आप बिल देखोगे ना, सबका 7,000 8,000 7,000 8,000, इससे कम किसी का बिल है ही नहीं, तो बराबर जी, देखो 2-3 महीने से बिल कम आ रहा था जी, अब देखो एक फंका एक ट्यूबलाइट है जी, बिल कितना आया देखो 2,200 रुपए, 2,210 रुपए, एक महीने का बिल है, 2 महीने का, एक महीने का कहाँ से भरेंगे आदमी, बराबर पहले कितना आता था? पहले 800-900 रुपए बिल आता था, अभी गए महीना आया गुना ज्यादा, हाँ गुना ज्यादा बिल आ गया, अभी 14-15 रुपए यूनिट लगाते, दूसरे स्टेट में अगर आप देखेंगे कहाँ से भरेंगे आप? मेरा 4,800 रुपया बिल आया है एक महीने का 4,800 हमारा भी आया 5,000 आया एक महीने का, 5,000 मुंबई कहीं नहीं है, बोले ये गवर्नमेंट कैसे रूट देने की है, गरीब लोग कहाँ जाके भरेंगे? दूसरे स्टेट में अगर आप देखेंगे तो पावर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, टाटा है, रिलायंस है, और भी दूसरी कंपनियां हैं, लेकिन भिवंडी शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन लोगों को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर भी लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए कि अगर एक कंपनी की बिल एक कंपनी का रेट अगर ज़्यादा है तो उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो दूसरी कंपनी ले सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, आखिर सरकार यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों नहीं ला रही, ये सवाल है उनसे। ये जितनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है ये कोई पैसे दे के बुलाई हुई नहीं है, ये यहाँ पर मेहनत करके खाने वाले, इसकी तरह चोरी से पैसा वसूल करने वाला नहीं है, ये टोरेंट पावर दादागिरी कर रही है, तानाशाही कर रही है, इसकी तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं तो अभी 21 तारीख को उनके खिलाफ मोर्चा होने वाला है, किरण चन्ने एडवोकेट किरण चन्ने के नेतृत्व में जो आंदोलन होएगा वो कामयाब होएगा और 100% कामयाब होएगा। क्या बोलते हैं आप लोग? टोरेंट भगाएंगे, ये सारे पहुंच जाएंगे टोरेंट के साथ हम। शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल हम साथ में खड़े, बिल्कुल नहीं भरेंगे, लोग हमारे को पगार बढ़ा के दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, हराम का पैसा लूटने बैठे गरीब लोग का, वो गलत कर रहे हैं, महीना महीना पगार नहीं देते, महीने के बाद हम पगार मांगते हैं, क्या हम रोज का पैसा नहीं लाते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ये बैठे जाके हराम का पैसा लूटने बैठे हैं। हम लोग को मालूम नहीं उधर से ऑर्डर आया ना, अच्छा वो ऐसा बोलते हैं, बिल भरो चालू करो, ऐसा मतलब कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन है, अगर बिल नहीं भरा तो आएंगे मीटर काटेंगे और चले जाएंगे, जब तक बिल नहीं भरोगे आपका मीटर चालू नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप पहले आइए वहाँ पर चेक कीजिए, आपका एक ऑफिसर उनके साथ होना चाहिए और बाकायदा चेक करना चाहिए, अगर डिफॉल्टर है तो आप चार्ज मारिए, डिफॉल्टर नहीं है तो आप चार्ज नहीं लगा सकते।